कमिश्नर अनिल कुमार के स्थानांतरण के उपलक्ष्य में मंडलायुक्त कार्यालय पर गुरुवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कमिश्नर को स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ देकर विदाई की गई। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने आयुक्त सभागार में अपने स्थानांतरण के बाद आयोजित विदाई समारोह के दौरान कहा कि सरकारी सेवा के वरिष्ठ पदों पर बेशक चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए ये अधिकारी की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। सरकारी सेवा में गरीबों को न्याय दिलाने का सुअवसर मिलता है, जो इसकी विशेषता है। गरीब न्याय के लिए आता है तो उसे न्याय दिलाना ही हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत से काम किया, कई चुनौतियां भी आई जिसको सबने मिलजुल कर पूरा किया। कार्य करते दो वक्त बीत गए इसका पता ही नहीं चला। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन, अपर आयुक्त न्यायिक, जेसी फूड सहित आयुक्त के कर्मचारियों ने आयुक्त महोदय के साथ कार्य करते हुए अपने अनुभवों को बताया। महोदय का विन्यास था और मैं वहाँ पर प्रभारी अधिकारी था। मैं हिमाचल शासन के लिए और समाज के लिए सर्वथा विद्यमान है और विद्यमान रहेगा कि कोई भी कर्मचारी अपना एक ऐसे पद को सुसज्जित करते हैं और सहयोगियों जैसा मैं सर के साथ तौर पर इस दिन काम कर पाया था। इस बीच मैंने किया था, पहले तो यहाँ नहीं जाता था, तो इतनी दूर था, सब प्रयास ही है। पहली चीज देखी, एक तो जब सरकार बदलती है, बदलने के बाद इन्हीं चुने अधिकारियों के जो है वहीं के वहीं रहना, और उसके पीछे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी अधिकारी की कार्यप्रणाली और जनहित में और विकास के हित में जो काम होते हैं, जिसे पहचान माननीय मुख्यमंत्री के और दुबे जी और पांडे जी फाइल हमें भेजते थे, लेकिन उस समय इत्तेफाक से एक अपर आयुक्त विद साहब थे मिस्टर अतुल श्रीवास्तव, तो उनकी हमने कई जगह मदद ली और धीरे धीरे यहाँ पर अपर आयुक्त की तैनाती। और मैं बहुत खुशी के साथ और बहुत विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ, एक आध एक्सेप्शन हम छोड़ दें तो हमारे साथ जितने अपर आयुक्त साहब आए, तीन तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, लेकिन उनसे पहले जितने भी अपर आयुक्त साहब आए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया, चाहे वो ब्रजेश त्यागी हो या उसके बाद संजय कुमार सिंह हो, अशोक कुमार सिंह हो, और अब सैनी साहब आए हैं और दोनों अपर आयुक्त साहब आए हैं, तो वो भी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि अधिकतर जगह एडिशनल कमिश्नर साहब लोग कई बार अनमने ढंग से काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं रहा, तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैंने प्रयास किया कि जहाँ पे भी मैं मदद कर सकता हूँ, मैंने मदद करने का प्रयास किया। उसका नतीजा कई बार निकला, कई बार नहीं निकला, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पे भी कभी आगे भी मुझे कहीं कुछ कहना होगा तो मैं ज़रूर आपके लिए कहूँगा। और JDC साहब तो बहुत व्यस्त रहते थे, उनको तो हम बड़ा परेशान करते थे, जब भी दौरा लगता था उनसे कहता आप बुकलेट बना कर लेकर आइए, वो हमेशा बुकलेट अपनी अपडेट करके लेकर आते थे, तो खैर बहुत अच्छा रहा। और JC फूड साहब भी रहे। तो बहरहाल मैं कह रहा था कि गोरखपुर में इससे पहले कभी तैनाती नहीं रही, और दो साल रहा मैं यहाँ पे। संजय अभी कह रहे थे कि उनका फिटनेस इम्प्रूव हो गया, लेकिन उनका फिटनेस ज़रूर इम्प्रूव हुआ, लेकिन हमारा फिटनेस ख़राब हो गया। दो साल में हमने थोड़ा कई बार हो ही जाता है, तो लेकिन यहाँ पे स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और इधर उधर की कई बार छोटी मोटी बातें हो जाती है, लेकिन इन जनरल मैं देखता हूँ कि कभी भी मुझे ऐसा नाराज़गी नहीं होनी पड़ी,
और जितना कहा गया छुट्टियों में भी कभी भी कहा गया तो वो आप लोग आए। इवन रिजवान को तो मैंने ईद से अगले दिन ही बुला लिया था, उनकी छुट्टी थी, लेकिन ये आए। आफ्ताब भी आए और हमारे जितने स्टाफ हैं, पर्सनल स्टाफ हैं, ये लोग भी हर एक अमेरिका से हर एक छुट्टी के दिन आते थे। तो जब मैं ही जाता था बाहर तभी ये लोग को छुट्टी मिलती थी। बहरहाल बहुत यहाँ पे अच्छा रहा और कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। ये जरूर है क्योंकि पिछले एक सवा साल से काफ़ी यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट था, तो उसके कारण जो भी और चैलेंजेस थे वो हम लोगों ने उसका प्रयास किया कि उसकी पूर्ति करें। पिछली बार जब मई मार्च और अप्रैल में, मार्च अप्रैल मई में 17 में जब हम लोगों को बुकलेट्स बनानी थी, तो रात रात भर हम लोग डेवलपमेंट के जो जो वर्क पेंडिंग है या जो हम लोग प्रस्तावित कर सकते हैं वो बनाई। उसमें हमारे जो पर्सनल स्टाफ है संजय और अरविंद, इन्होंने बहुत मेहनत करी। JDC साहब उस समय थे और हमारे DD स्टैटिस्टिक्स थे, तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और बहुत सब अच्छे से निकला। और यहाँ पे कई विकास के संबंध में कई इश्यूज थे, हम लोगों ने प्रयास किया कि उसको हम लोग रिजॉल्व करें। उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। बहरहाल ट्रांसफ़र, जैसे किसी ने कहा कि ये किसी भी सरकारी अधिकारी के लिए एक रूटीन अब बन गया है और ट्रांसफ़र होते हैं, नया आदमी आता है, नया दूसरा आदमी जो पहले वाले हैं वो जाते हैं। और प्रयास ये किया जाता है कि एक अच्छा माहौल छोड़ के जाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी इसमें हम लोगों ने प्रयास किया। जैसे एडिशनल कमिश्नर साहब बता रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट्स पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थे हमारे कलेक्ट्री के और जो तहसीलों के कोर्ट्स थे उसकी फंक्शनिंग में काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी हम लोग लाने गए में हम लोग प्रयास किए, तो उससे काफ़ी सफलता भी मिली। और जो हमारे कोर्ट के जो फाइलें थी जो कि अनरजिस्टर्ड थी, नॉन कंप्यूटराइज थी, वो सब हम लोगों ने दर्ज कराई। काफ़ी इंक्वायरीज भी थी जो कि पेंडिंग थी वो निकाली गई। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि फाइल या कागज़ पे बड़े ठोक बजा के साइन करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं साइन नहीं करता हूँ, लेकिन लेकिन ये क्योंकि अगर आप साइन कर रहे हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जाती है और जो व्यक्ति उसको पढ़ता है वो अगर उसमें कुछ कमियां रह जाती है, कुछ उसमें कुछ दिक्कतें हैं, कुछ गलत लिखा है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी पर रिफ्लेक्ट करता है। तो प्रयास हम लोग यही करते हैं कि कोई गलती ना हो। देखिए गलती हर एक व्यक्ति से होती है और आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है, पर अगर हम लोग उसको थोड़ा देख लें तो उसका उस लेटर का या उस फाइल के डिस्पोजल का फ़ायदा भी मिलता है। अगर आपने लेटर आपने साइन कर दिया और वो अपूर्ण है या उसमें गलतियां हैं तो वो लेटर दोबारा आएगा। ऐसा नहीं कि वो लेटर वहीं का वहीं रुक जाएगा, वो दोबारा आएगा और दोबारा आपको उतनी ही मेहनत करनी है। तो हम कोई काम ऐसा क्यों करें जिसमें हमें दोबारा तिबारा मेहनत करनी पड़े। तो मैं इसी मनोदशा से, इसी कारण से मैं थोड़ा देखता था कि फाइलों में कंप्लीट रहे, प्रोसेस फॉलो हो और जो उसकी लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जिस तरह होनी चाहिए और जिस स्तर से वो जा रहा है उस स्तर के मुताबिक लैंग्वेज हो। तो बहरहाल हम लोगों ने पिछले साल, मुझे याद आ रहा है कि शायद 2 अक्टूबर में हम 17 में हम लोगों ने ये तय किया था कि एक कंपटीशन हम लोग जनवरी में कराएंगे, 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को है। उसमें रिजवान और संजय और अरविंद और 2-4 और हमारे कर्मचारी हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे और वो गीत प्रस्तुत करेंगे और उनको हम लोगों ने प्राइज भी डिक्लेयर कर दिया था। तो खैर वो उस साल उस समय महोत्सव हो गया और उसके बाद वो बात आई गई हो गई तो नहीं हो पाया, लेकिन मैंने अपना प्रॉमिस है मैंने पूरा कर दिया है, संजय को हमने कर दिया है। अब आप लोग का जिम्मेदारी है कि आप अपना एक कंपटीशन जरूर कर लें और उसको कंप्लीट करें। आप मुझे जरूर बताइएगा और मेरे लाइन कोई भी काम हो आप जरूर मुझे याद करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। फॉरएवर गुड बाइज आर नॉट फॉर एवर, गुड बाइज आर नॉट द एंड।
दे सिंपली मीन आई विल मिस यू अंटिल वी मीट अगेन। तो हमारे दोबारा मिलने तक मैं आपको हमेशा याद रखूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी मुझे याद रखेंगे और हम लोगों की जो जान पहचान हुई है आप लोगों से उसका अंत नहीं है, ये उसकी एक नई शुरुआत है। और मैं पुनः आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।